तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? सारे उपकर्ता सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो फाइनली 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 भाई साहब, हमारे पास आ गई है अपनी कोमाकी की रेंजर बाइक। भाई मतलब जब इसका मैंने वीडियो बनाया था तो मोस्टली बंदों ने मुझसे पूछा था कि भाई ये क्या है, कि किस टाइप की बाइक है और ये कहाँ मिलेगी, और ये बाइक लोग ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे, क्योंकि ये बड़ी हैवी लुकिंग है और मतलब देखने में अच्छी भी लगती है गाड़ी। तो जिस भाई ने ये गाड़ी ली है, मैं उस भाई को बुलाऊंगा, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई गाड़ी चलने में कैसी है और लेनी चाहिए आपको नहीं लेनी चाहिए, और उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, सब कुछ क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मैं अपने चैनल पे भाई को बुला लेता हूँ, वेलकम करता हूँ भाई का। भाई आ जाओ हमारे चैनल पे और अपना नाम बता दो, इंट्रोड्यूस करा दो अपने बारे में। जय सिंह नाम है मेरा। जय भाई हमारे चैनल पर आ गए हैं। अब इनकी ये गाड़ी है, अब यही अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मेरे क्वेश्चंस रहेंगे, भाई के आंसर्स रहेंगे, और जो भी अगर आपके कुछ भी इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। बट पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। भाई मुझे सबसे पहले आप बता दो, आपने गाड़ी ली कहाँ से और क्यों लिया आपने, यही क्यों लिया आपने? ये पश्चिम विहार से लिया मैंने। अच्छा, ये बाइक क्यों चूज करी आपने? लेने का रीजन ये था कि इसकी रेंज जो है मार्केट में सबसे ज्यादा है। अच्छा, और ऊपर से उसका जो लुक है वो भी बहुत जबरदस्त है। ये भी बात है। तो इन ऑल इसके कंपैरिजन में कोई और मेरे को लगी नहीं। अच्छा, इसलिए फिर मैंने यही बाइक चूज की। अच्छा, इस वजह से आपने बाइक को इसको चूज किया है, ठीक है। तो आप मुझे जरा इसका मतलब प्राइस बता दो, आपको कितने में गाड़ी पड़ी है वैसे? ये 195 ऑन रोड प्राइस पड़ी थी। अच्छा, 195 आपको ऑन रोड पड़ गई है गाड़ी, ठीक है। वैसे गाड़ी चलाने वाने में कैसी है? गाड़ी चलाने में अच्छी है, रेंज जो है मेरे को अभी तक प्रॉपर जो है 200 किलोमीटर मिली है। अच्छा, जितनी कंपनी ने क्लेम करी है उतनी मिली है, 50 की स्पीड पर मिली है। अच्छा, तो उसका उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। अच्छा, मुझे मोड्स वोड्स बता दो यहाँ पर आके कि इसके मोड्स वोड्स कैसे हैं और आप कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हो? मैं ज़्यादातर तो स्टार्टिंग में सेकंड मोड यूज़ कर रहा था आज का, लेकिन स्पोर्ट्स मोड यूज़ करता हूँ। अच्छा, स्पोर्ट मोड में रहते हो, तो मुझे मोड्स वोड्स थोड़े बता दो। और इसका मोड्स का बेसिकली ये है कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड, ये बेसिकली तीनों मोड यहीं से ऑपरेट होते हैं। अच्छा भाई, इसका ये जो ये सिस्टम है ये मुझे काफी अच्छा लगा था, ये जो बना हुआ है इसका, ये हाँ ये लुक अच्छा लगता है ये देखने, ये बहुत अच्छा लगता है। ये मेटियोर से ज़्यादातर इंस्पायर्ड हुआ था, मेटियोर ने दिया था सबसे पहले ये लुक। और मुझे इसके थोड़े मोड्स वोड बता दो, यहाँ पे काफी कुछ दे रखा है, दिखा भी दो हमारी पब्लिक को। ये इसका स्पोर्ट्स मोड है, फोर्थ मोड जो है। अच्छा, इस साइड ये हॉर्न है और ये स्पोर्ट्स मोड है। अच्छा, इसको इस मोड को प्रेस करके रखना पड़ेगा? नहीं नहीं, सिंगल प्रेस कर दो। अच्छा, वो मोड वहाँ पे चेंज हो जाएगा, स्पोर्ट्स मोड हो जाएगा। अच्छा, स्पोर्ट्स मोड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे एक बार ये ऑन करके दिखा दो और कैसे क्या ये वर्क करता है, काम क्या, मुझे वो बता दो। ये बेसिकली स्पीकर के कंट्रोल है। अच्छा, जो साइड में साइलेंसर लगे हुए हैं। अच्छा, ये साइलेंसर जो लगे हुए हैं ये स्पीड के दे रखे हैं। हाँ, एक बार मैं सुना भी देता हूँ अपनी पब्लिक को, आप यहाँ पे ऑन कर दो, मुझे दिखा दो आप। यहाँ पे लगे हुए हैं आपके स्पीकर्स। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई पानी वानी में जाएंगे, तो भाई अगर पानी में जाते हैं तो क्या होता है? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर प्रूफ है। अच्छा, पूरे वाटर प्रूफ है, आप लेके गए इनको पानी के अंदर? पानी के अंदर तो नहीं लेके गया, बट अभी तक जितने भी यूज किया है, चाहे वॉशिंग करी हो चाहे थोड़ा बहुत भी पानी गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ी सी धूप हो रही है, दिख नहीं रहा होगा, पर इधर पास में अगर आप आओगे तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो एक फ्लेम टाइप की यहाँ पे जल रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यही इसका जो रात में है थोड़ा सा इसको यूनिक बनाता है। ये देखो यहाँ पे जल रही है, एक लाइट टाइप की दे रखी है, अब वो रात में पता चलती है, दिन में यहाँ पे पता नहीं चलेगा क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। तो बाकी और गाड़ी कैसी आपको मतलब सही लग रही है ओवरऑल अभी तक? ओवरऑल अगर देखूं तो पॉजिटिव भी बहुत हैं इसमें, नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। तो पहले मुझे थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स बता दीजिए, फिर नेगेटिव पॉइंट्स बता दीजिए। पॉजिटिव पॉइंट है इसका, एक तो रेंज जो कंपनी क्लेम करती है 200 किलोमीटर वो एक्चुअल में दे रही है। दूसरा ये था कि इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा है, हार्ले डेविडसन टाइप है, बिल्कुल लुक बहुत अच्छा और यूनिक लुक है, ऐसा और कोई इलेक्ट्रिक बाइक में भी देखने को मिला नहीं। नहीं, हाँ ये चीज नहीं मिला। तीसरी बेनिफिट ये है कि पूरा इसमें जो स्टोरेज स्पेस दे रखा है ये भी थोड़ा अच्छा अच्छा है, और ये कंपनी के साथ ही मिलता है, कंपनी फिटेड है पूरा, ठीक है। इसका स्पीकर वगैरह जो है ये भी बहुत अच्छा है, कि इसमें जो लाइटिंग दी है वो सबसे यूनिक है, क्योंकि वो आज तक किसी कंपनी ने सोची भी नहीं वो चीज देने के लिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा इसको रात में जो है ये अट्रैक्टिव लुक बनाता है और सबसे यूनिक बनाता है, हाँ ये चीज। अच्छा, तो भाई ने इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए, तो मेरे कुछ और क्वेश्चंस हैं, मैं पूछ लेता हूँ भाई, इसकी ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है? ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक दोनों आगे पीछे दे रखे हैं, मतलब मेरे को नॉर्मल लगा, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं लगा। अच्छा, बहुत ज्यादा लो भी नहीं लगा, मतलब नॉर्मली है, मतलब डिस्क ब्रेक होते हुए भी नॉर्मली है, वो डिस्क ब्रेक का मजा नहीं है जो पेट्रोल बाइकों में होता है। अच्छा, उससे थोड़ा सा लग गया। अच्छा, इसके सस्पेंशन कैसे हैं? सस्पेंशन भी काफी हैवी दे रखे हैं जिस हिसाब से देखने में लुक में। सस्पेंशन बेसिकली जो हैवी दिए हैं, बट अच्छा, जो बाइक की जो है वेट है उसके हिसाब से सूट नहीं करते, क्योंकि अच्छा, बाइक का वेट बहुत कम है और सस्पेंशन बहुत हार्ड दिए हैं उसके हिसाब से, तो थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए थे ताकि
बाइक जो है 10 के पे ज्यादा कंफर्टेबल रहे, तो वो सस्पेंशन मतलब बहुत ज्यादा टाइट देखने को मिले हैं आपके अंदर। अच्छा, उसका पिकअप कैसा है? जैसे इलेक्ट्रिक बाइक का पिकअप अच्छे होते हैं, इसका पिकअप कैसा है? इसका पिकअप बहुत तगड़ा है। अच्छा, लिटरली मैंने आज तक यूज किया, इसका पिकअप बहुत सही में मेरे को सबसे अच्छा लगा अभी तक। अच्छा, इसका पिकअप काफी अच्छा है। अच्छा, जैसे आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो जैसे इसका बैलेंस किस टाइप का है, मतलब गाड़ी अगर आप निकाल रहे हो तो बैलेंस कैसा है? बैलेंस बहुत अच्छा है क्योंकि पिकअप इसका अच्छा है। तो अगर आपको कटवट भी मारना है तो भी उस हिसाब से बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, तो मतलब गाड़ी इतनी हैवी होते हुए भी आपको कट मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और बाकी सीट भी कंफर्टेबल है, बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा रहता है। तो मतलब लेग गार्ड ये सब जो दे रखा है आपको, मतलब बैठने में काफी कंफर्टेबल है? बहुत कंफर्टेबल है। हैंडलिंग कैसी है? अगर आप नॉर्मल हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। अच्छा, और लाइट कैसी है इसकी? मुझे आप लाइट बता दो। दिखने में तो लाइट काफी हैवी लगती है, बट कैसी है लाइट? लाइट सिर्फ दिखने में, कर देता हूं। लाइट बेसिकली दिखने में हैवी है, बट नाइट में इसका जो व्यू है वो इतना अच्छा है नहीं। अच्छा। इसका फोकस थोड़ा आउट फोकस है इसका, तो ये चीज मतलब इसकी इशू है। देख सकते हैं। और बेसिकली जो इन लोग ने बल्ब का जो होल्डर यूज किए हैं वो भी ऐसे हैं कि जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। यही रीजन था कि मेरे को अलग से फॉग लाइट लगवानी पड़ी थी, क्योंकि ट्रैवलिंग, क्योंकि नाइट ट्रैवलिंग होती है तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। ये तो एक मतलब देखा जाए तो ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कंपनी के लिए। मतलब यार अगर लाइट इतनी हैवी, देखने में इतनी हैवी दे रखी है, तो यार उसको थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए और थोड़ी लाइट को जो वह है बढ़ानी चाहिए। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। और मुझे भाई से जानने पड़ेंगे कि क्या इसके और नेगेटिव पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं आपकी तरफ से। और एक नेगेटिव पॉइंट है इसके जो शॉकर्स हैं वो थोड़े बॉडी जो है, एक तो फाइबर बॉडी है और शॉकर वगैरह थोड़े से आवाज़ करने लग जाते हैं जब भी थोड़ी सी रोड जो है अगर रफ रोड आती है तो उसमें आवाज करने लग जाती है बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब पूरी गाड़ी आवाज करने लगती है कि शॉकर्स ही आवाज करते हैं? मेनली शॉकर्स करते हैं, दोनों तरफ शॉकर्स करते हैं, तो इन फ्यूचर जाके धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स भी लूज होने लग जाते हैं शॉकर की वजह से। अच्छा, इसकी बैटरी वैटरी कैसी है? मतलब हीट वीट तो नहीं करी? मतलब जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो मोटर या बैटरी में से कुछ हीट देखने को मिला हो आपको? नहीं, अभी तक तो मेरे को कोई ऐसा इशू आया नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज तो ऐसा नहीं आया, रेंज हो गई चाहे बैटरी हो गई सब चीज नॉर्मली मिली मेरे को, सही मिली वो सब कुछ ठीक है। अच्छा, वॉश किया? इलेक्ट्रिक बाइक है तो ऐसे वॉश करने में अगर कुछ खराबी हो रही? नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वॉश मैं खुद ही करता हूं। अच्छा, और मैं मंथली दो बार तो वॉश करता ही हूं, लेकिन आज तक में कोई प्रॉब्लम आई नहीं है सच। अच्छा, तो इसके स्पीकर में जैसे पानी वानी आपने वॉश करते टाइम गया हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है ये जो दे रखा है? कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिली? काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश करी है, मतलब कि जो भी इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी मैंने रखने की कोशिश करी है, पॉजिटिव पॉइंट भी रखने की कोशिश करी है। अच्छा, मुझे इसकी एक और चीज़ मुझे जाननी है, इसकी सर्विसिंग क्या है, कैसी है सर्विसिंग होती है इसकी? नहीं, बेसिकली कंपनी की तरफ से कोई सर्विसिंग नहीं है। अच्छा, कंपनी दे ही नहीं रही इसकी? नहीं, सर्विसिंग नहीं दे रही है, क्योंकि मेनली क्या है कि इसके मोटर जो है वो हब माउंटेड है, व्हील के अंदर ही फिटेड है, तो ऐसा ज़्यादा कोई इशू है नहीं। बाकी अगर कोई पार्ट्स वार्ट्स लूज हो जाता है या तो आप खुद से कर लो या फिर जाके करवा लो वहाँ से। तो मतलब यार अगर देखा जाए तो सर्विसिंग कंपनी दे नहीं रही है, बट मैंने मतलब रेयर ही कंपनियों में ऐसा सुनने को मिला कि वो सर्विसिंग नहीं दे रही। वैसे मेन सर्विसिंग में कुछ होता तो वैसे है नहीं इलेक्ट्रिक में, पर हाँ वो ऑयलिंग कर देते हैं, पार्ट्स चेक हो जाते हैं, वायरिंग चेक हो जाती है, तो इस चीज़ को कंपनी को देखना चाहिए और यार सर्विस पोर्शन को ऐड करना चाहिए मुझे लगता है। हाँ, ये चीज़ करना चाहिए क्योंकि बेसिकली कोई भी अगर डिफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक बाइक है, ऐसा नहीं है कि बंदा बाहर से करा सके, तो एक बार कंपनी को देखना चाहिए सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। तो भाई आपने जब इतना एक्सपीरियंस कर लिया तो आप मुझे इतना बता दो कितने टाइम हो गया इसको गाड़ी को लिए हुए? भाई ये अप्रॉक्स 5 महीने होने वाले मेरे को। अच्छा, 5 महीने होने, और कितनी चला चुके आप मुझे एक बार दिखा भी दो ये चीज़ यहाँ पर एक बार दिखा दो कितनी चल चुकी है हमारी गाड़ी। ये अप्रॉक्स 8,500 के आसपास चली हुई है। अच्छा, 8,500 के आसपास चल चुकी है गाड़ी। हाँ, बट मतलब काफ़ी अच्छा आपने चला लिया इसको। बट इसके मीटर में एक प्रॉब्लम है। अच्छा, मीटर की जो डिस्टेंस जो दिखाता है ये। अच्छा, एक्चुअल जो आपने डिस्टेंस कवर किया है वो 20% कमी होगा जितना इसमें शो कर रहा है। अच्छा, जैसे आपने 100 किलोमीटर आपने चला लिया गाड़ी तो 80 आपको शो हो रहा है? नहीं, शो इसमें 100 कर रहा है बट एक्चुअल में 80 चली होगी। चलाई आपने 80? हाँ, ये मतलब ये हो सकता है सॉफ्टवेयर कुछ ग्लिच हो सकता है, तो आपने इसके ऊपर दिखाया कंपनी को ये? हाँ, चेक भी कराया था मैंने, मीटर चेंज भी कराया था, बट सेम इशू था। अब ये चीज वो लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये बेसिकली मेरे को जो खुद से लगता है वो ये हो सकता है कि जो इन लोग सेंसर केबल यूज करिए। अच्छा, वो व्हील की जगह हो सकता है मोटर में यूज करिए, जिसकी वजह से लैग आ रहा हो। ठीक है, तो मतलब अगर भाई ने एकदम एक्सपीरियंस जो बताया, मतलब अगर शोरूम में भी उन्हें दिखा लिया उसके बाद, मतलब शोरूम वाले भी अगर ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है यार। मतलब कंपनी का प्रोडक्ट होते हुए वही लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसमें क्या इशू है और सही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मेरे को जरा एक्सपीरियंस बता दो, आप वहाँ शोरूम वरूम गए तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका वहाँ पे?
शोरूम का एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा रहा है। अच्छा। जितना मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, मेरे को ये चीज़ तो समझ में आई है कि शोरूम वाले तो अपनी तरफ से एफर्ट्स दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बट कंपनी उस लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, ना वो शोरूम वालों को उस लेवल तक सपोर्ट कर रही है। हाँ, मतलब देखा जाए तो यार एक सर्विस बहुत बड़ी मेजर चीज़ है, वही नहीं ये लोग दे रहे हैं, तो मतलब ये कैसे काम चलेगा? मतलब आप आगे कंपनी मतलब देख नहीं रहे, कंपनी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली मैंने भी इसके रिगार्डिंग मेल किया था प्रॉपर फीडबैक के लिए, मेल करा था मैंने प्रॉपर फीडबैक के लिए कि क्या क्या बाइक में प्रॉब्लम है, कमियां हैं जिसको वो इम्प्रूव कर सकती है, और जो कंपनी से रिवर्ट नहीं आया, कोई रिवर्ट नहीं आया, मैंने दो बार मेल कर चुका बट कोई रिवर्ट नहीं है उसके लिए। मतलब यार ये भी एक देख सकते हैं कि कंपनी ने एक तरीके से प्रोडक्ट इतना निकाल तो दिया है पर उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, और मतलब कस्टमर्स परेशान हो रहे हैं, मेल कर रहे हैं, मतलब वो भी चीज़ कंपनी ध्यान नहीं दे रही है। शोरूम तो एफर्ट्स डाल रहे हैं पर कंपनी ये चीज़ आपको देखना चाहिए अगर आप कंपनी का कोई भी बंदा देखता है। अच्छा चलो ये तो कंपनी की बात हो गई, अब मुझे ज़रा गाड़ी बता दो, ये जो पेट्रोल की टंकी दी हुई है ये क्या है, मतलब इसके अंदर कुछ है वह क्या, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, शो के लिए? अच्छा, ये ओपन भी हो जाती है बट इसमें कुछ रखने के लिए नहीं है, बस सिर्फ शो के लिए कि ताकि पेट्रोल बाइक की तरह ही लगे। अच्छा, एक बार मुझे ज़रा खोल के दिखा दोगे भाई, ये यहाँ पे देखो किस तरीके से खुलती है, मतलब सिर्फ शो केस के लिए ही है भाई बता रहे हैं, तो ये देखो मतलब पूरा खाली है अंदर और कुछ नहीं है, इसके अंदर तेल मत डाल देना, कहीं यहाँ पता चला तेल ही डाल दो इसमें चलने लगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ मत डालना इसके अंदर, सिर्फ शो केस के लिए ये लगा रखी है इसमें। अच्छा भाई, जैसे कि मैंने देखा यार 200 किलोमीटर की रेंज दी हुई है, तो मतलब लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं इस गाड़ी को लेकर, तो सीट वीट कैसी है, कंफर्टेबल कैसी है? सीट कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, दो लोग बैठ के चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ओपन करी थी तो मेरे को पहले लगा था कि सीट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी की हो, लेकिन बट जब बैठा हूँ मैं सब चीज़ें तो बहुत कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड के लिए भी कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड के लिए कंफर्टेबल है। अच्छा, इसको हाईवे वे पे मतलब जब चढ़ाते हो, जैसे फ्लाईओवर पे चढ़ाते हो तो मोड चेंज करने पड़ते हैं? मैं ज़्यादातर आजकल तो स्पोर्ट्स मोड ही ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो पावर मेरे को प्रॉपर मिल रही है, सच कोई लैग मेरे को दिखा नहीं है अभी तक। स्पोर्ट्स मोड में अप्रोक्स आपने याद हो कितनी रेंज आपने निकाली हुई? एक्यूरेट तो नहीं निकाली बट 150 प्लस ही मिली है मेरे को। 150 प्लस आपको स्पोर्ट मोड में मिल जा रही है, और इको मोड में तो 200 मिल ही रही है आपको, तो ठीक है। मतलब जैसे अगर कंपनी ने अपना रेंज जो क्लेम करी है उस हिसाब से भाई मतलब रेंज अच्छी मिल रही है, स्पोर्ट मोड में भी आजकल लोग स्पोर्ट मोड में चलना ज़्यादा पसंद करते हैं भाई, 60-70 तो अप्रॉक्स चलता ही है हर बंदा, तो उस हिसाब से भी काफ़ी सही है एक्सपीरियंस। तो भाई गाड़ी इतनी हैवी है, दिखने में इतनी हैवी है, तो भाई इसकी बैटरी भी काफ़ी बड़ी है, तो भाई मुझे ये बता दो चार्ज करने में कितना टाइम ले लेती है ये गाड़ी? भाई चार्ज करने में 5-6 घंटा मिनिमम लेती है। अच्छा, 5-6 घंटा ले लेती है। इसमें कोई फास्ट चार्जिंग का है ही नहीं, मतलब ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल चार्जर है, उसी से वो आप घर के 60 एम्पीयर चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इनके कोई और पावर पॉइंट है नहीं, तो नॉर्मल घर से चार्ज होगी। अच्छा, कितने यूनिट ले लेती है अप्रोक्स एक बार पूरा फुल चार्ज होने में? फुल चार्ज होने में 3-4 यूनिट लेती है ये। अच्छा, मोटा मोटी अगर मैं देख लूँ मंथली तो कितना आ जाता होगा आपका? मंथली अगर मैं खुद का बताऊँ, मेरा जो यूसेज है महीने का 1.5 से 2,000 किलोमीटर है मेरा रनिंग, उसके हिसाब से मेरा 300 रुपये के आसपास मान लो महीने का जो कॉस्टिंग है वो। सही है यार, मतलब अगर इतना चला रहे हैं भाई उसके बाद भी अगर बिजली का बिल सिर्फ 300 रुपये आ रहा था और क्या चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा का तो पेट्रोल कितनी बार भरा सकते हो, तो इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच होने की देखो यार अगर यहाँ तक वीडियो आए हो देखने, तो ये चीज़ मुझे भी सही लगी। अच्छा भाई, मतलब इतना एक्सपीरियंस मैंने कर लिया आपसे, इतने क्वेश्चंस पूछ लिए, इसके बाद भी आपको लगता है इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स हैं देखने को मिली हैं आपको? प्रॉब्लम्स तो छोटी मोटी बहुत सारी हैं जो कंपनी मॉडिफाई कर सकती है इस चीज़ को। एक इसका लेग गार्ड का है। अच्छा, लेग गार्ड देखने में लगता है कि बहुत दिखने में तो ये, मतलब ये दिखने में ही गाड़ी है मेन, पर कुछ इश्यूज इसके जो अंदर से दिख रहे हैं वो अंदर ही हैं। सिर्फ एक ऊपर और एक नट नीचे नट से ही फिक्स है, तो यहाँ पर ये पूरा निकल ही जाएगा, मतलब ये सेफ तो नहीं करेगा पर ये पैर में और लग जाएगा, तो ये चीज़ है। और कोई इशू अगर आपको देखने को इसके अंदर मिला हो? और तो हाँ, सेंटर लॉकिंग है बेसिकली। एक मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी कि बीच में सेंटर लॉकिंग आधी काम करनी खराब हो गई थी अपने आप ही। अच्छा, तो उसके लिए उसमें आपने उस सिनेरियो में आपने क्या किया फिर? मैं शोरूम पे गया, कांटेक्ट किया, तो उन्होंने सेंटर लॉकिंग चेंज करी, बट वो था कि वो पेड था क्योंकि वो वारंटी में कवर नहीं आ नहीं रहा था। कंपनी की तरफ से बेसिकली जो वारंटी मिलती है वो बैटरी पे मिलती है 3 साल, उसके अलावा चार्जर कंट्रोलर अच्छा और मोटर पे 1-1 साल की मिलती है, उसके अलावा कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पे भी वारंटी नहीं देती है। अच्छा, कोई बॉडी पे और किसी चीज पे भी कोई वारंटी? कोई वारंटी नहीं है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पे तो एटलीस्ट वारंटी देनी चाहिए, मतलब स्विचेस खराब हो जाए तो ये सबको आपको पे करना ही पड़ेगा। पे करना पड़ेगा, ये चीज़ भी यार एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है। मतलब कुछ काफ़ी हद तक हमने पॉजिटिव पॉइंट्स भी कवर कर दिए, नेगेटिव पॉइंट्स भी कवर करे, इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब भाई इतने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करे, इसके बाद भी क्वेश्चन रह जाता तो पूछ लेना, बट अब बात आती है भाई से रेटिंग लेते हैं भाई, जैसे मूवी की रेटिंग ले लेते हैं वैसे गाड़ी की एक बार रेटिंग लेते हैं कि भाई क्या रेटिंग दोगे आप अपनी तरफ से, 10 में से कितनी रेटिंग देना पसंद करोगे?
10 में से 7.5 रेटिंग दूंगा। अच्छा 7.5 दोगे? हाँ, और इतनी कम देने की क्या रीजन है? मतलब इसका रीजन यही है कि कंपनी को थोड़ा सा अपने सपोर्टिव होना पड़ेगा उसके लिए, और जो बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं, आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये सबको अगर इंक्लूड करते हैं, अगर वो ठीक कर देती है तो मेरे ख्याल से फिर 10/10 ही मिल जाएगा, क्योंकि जो रेंज है वो बहुत अच्छी है। 200 किलोमीटर बंदा बहुत आराम से चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल है सब चीजें। बट वही पॉइंट्स अगर वो कवर कर लेती है कंपनी तो फिर 10 ही है। मतलब 7.5 भाई ने रेटिंग दे दी है। अब आपकी बारी है, आप लोग एक्सपीरियंस करो भाई साहब, गाड़ी एक बार जाओ शोरूम विजिट करो, टेस्ट ड्राइव लो और देखो कैसे क्या एक्सपीरियंस है। बाकी मैंने तो भाई अपनी तरफ से पूरा ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे दिया, कोई पेड रिव्यू नहीं था भाई कंपनी के बारे में, जो भी बात थी सारी क्लियर आपके सामने रख दी है। अब भाई अगर यहां तक आए हो तो वीडियो अच्छी ही लगी होगी, तो भाई वीडियो लाइक कर देना और अपने उस दोस्त को शेयर कर देना भाई जिसको ऐसी क्रूज बाइक पसंद आती है। और यहाँ तक आए तो भाई सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी नई और यूनिक वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू वीडियो में।